नहीं पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो साहब धूल इकट्ठी कर लेंगे, दौड़ पड़ेंगे। क्यों? बोले वहां हजार मर गए तो कोई टेंशन नहीं, और यहाँ एक व्यक्ति केवल बीमार ही है और इतने व्याकुल हो गए। यही मेरा और तेरा का अंतर है। और जिस दिन जीव के अंदर ये मैं खत्म हो जाता है ना, ये मैं ही तो परमात्मा से दूर कर रखा है। जीव और ब्रह्म का मिलन तो हो जाए, लेकिन ये जो अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा है, जो मैं का, जो अहंकार का, काम का, लोभ का, क्रोध का जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा जिस दिन फट जाता है उसी दिन जीव और ब्रह्म का एक स्वरूप हो जाता है। उद्धव जी, आपने कथा सुनी अभी छोटी बहन के द्वारा। उद्धव जी सगुण उपासक हैं, निर्गुण उपासक हैं, और गोपियों से कहते हैं अरे वो तो निराकार है और सर्व व्यापक है, आप उसके लिए क्यों रो रही हो? अरे आप व्यर्थ में रो रही हो, आप तो बस उसका मन से भजन करिए, चिंतन करिए, वो आपसे दूर है कहाँ, निर्गुण है, निराकार है। तो गोपियां एक ही बात कहती हैं, यदि वो निर्गुण है तो उसने छींके से मटके कैसे उतारी है? यदि वो निर्गुण है तो घर घर में माखन की चोरी कैसे की? गैयां चराने कैसे गया? हमारे चीर कैसे चुराए उसने? हे उद्धव, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम निर्गुण उपासक हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। परंतु एक बात ध्यान में रखना, मैं तो केवल और केवल कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं जानती हूँ। कृष्ण मेरो तन, कृष्ण मेरो धन, और कृष्ण ही से मुझे आठों याम काम है। कृष्ण के सिवा मैं किसी और को नहीं जानती हूँ। कोई और भगवान आ भी जाए, क्योंकि वो अद्वैतवादी है। और जीव के अंदर साधना करते समय जब तक द्वैत रहता है, द्वैत का मतलब समझ रहे, भगवान के मंदिर में गए और माँ खड़े हो गए, अगरबत्ती तो लगा रहे, मगर मन में क्या है? बोले मैं फलाने सी हूँ, यहाँ भगवान जी बैठे हैं। जे भगवान है, मैं कौन हूँ? मैं एक संसार का मनुष्य हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। यही तो द्वैत है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर मैं और तेरा, क्योंकि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। और जिस दिन ये मैं और तेरा सब जो खत्म हो जाएगा ना, तो जीव जब साधना करता है, जो हमारे मेरुदंड की हड्डी होती है, इस पर जो चक्रों का वास है, सात चक्रों का, और साधना करते करते जीव जब एक एक चक्र को पार करता है और जब ब्रह्म रंध्र में पहुंचता है, तभी तो देहाध्यास की निवृत्ति होती है, फिर वो परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर उसका एक स्वरूप जीव और ब्रह्म का मिलन, और यहाँ द्वैत खत्म। फिर तो एक ही है ना, है? तो ब्रह्म तो एक ही है, और उस एक में जब बिंद में जब मन टिक जाता है जीव का, और जब जीव अद्वैतवादी हो जाता है, उसी दिन ये कि तुम्हारा भगवान कि हमारा भगवान, ये सब खत्म हो जाता है। भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक है, अनेक अवतार हैं उसके, परंतु ईश्वर एक है। तो ऐसे ही जीव के अंदर जब तक ये द्वैत रहता है, और ये मन रूपी रस्सी जब तक इसमें कहीं ना कहीं ये संसार भरा रहता है, तो समझ लो कथा में बैठकर भी हम कथा में नहीं है। इसलिए ये मन रूपी रस्सी परमात्मा से जोड़ो। पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, ग्यारहवां मन। एक बार एक बात सुना दे।